आए हमारे मोजिस मेहमानों का इस्तकबाल करती हूँ। हमारे बीच में हैं डॉक्टर ललित मंगोत्रा जी, प्रेसिडेंट डोगरी संस्था, राइटर, स्कॉलर, डोगरी के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सुरेश शर्मा जी, रिसीवर पंच बख्तर महादेव मंदिर, मंदिरों के जम्मू के शहर में संगीत, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य को ऐतिहासिक मंदिरों में पुनर् इन्होंने जीवित किया है। श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेंबर हैं ये, रिटायर्ड सेशन जज और पब्लिक जे एन के पब्लिक सर्विस के मेंबर रह चुके हैं। मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ जोरदार तालियां आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से। इसका सारा श्रेय जाता है हमारे सेक्रेटरी साहब श्री भारत सिंह सर को। अपने कार्यकाल में एकेडमी को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जा चुके हैं, आर्टिस्टों के दिलों में बस चुके हैं और हम कामना करते हैं वो इसी तरह से हम सब के लिए और भी रास्ते बनाते रहें और हमारे जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति को ऊंचाइयों तक ले जाएं। जोरदार तालियां हमारे। सोच विचार होता रहा लेकिन हमें टाइम नहीं मिला, कुछ शेड्यूल हमारा बिजी रहा। हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी की जो मैम हैं प्रिया गौतम, उन्होंने मुझसे इस प्रोग्राम के लिए करने के लिए कहा था। मैंने उनको यस किया था कि हम करेंगे, लेकिन हम ओकेजन के इंतज़ार में चलते रहे। मंजू वजीर जो मैम हैं दिल्ली से, उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी तो उनको भी मैंने यस किया था, लेकिन वो ओकेजन नहीं बन पा रहा था। तो आज ये प्रेजेंटेशन इनकी तरफ से आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। कल्चरल जो फॉर्म्स और जो आज की हमारी ये कथक की जो डांस की फॉर्म है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये राजाओं के साथ जुड़ी हुई है, ये देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत पुरानी बस की चीज नहीं है। हमारी कल्चरल हेरिटेज की एक बेहतरीन फॉर्म है जो आज हम सब लोगों को देखने को मिलेगी। उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे। Thank you.
जो आवे शाम तो पकड़ लो तनिक ठहर हाँ सके तनिक ठहर मन बुरा शाम की जो आवे शाम तो पकड़ लो दो बड़ी अनकारा प्राउड जिन पर कथक डांस की पूरी और उसको किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो तो साकेत ने कहा कि जिसम के हर आजाद को हिलाकर वर्जिश करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें जब सिविलाइजेशन के साथ मिलते जलते आगे चलकर रक्स को एक लैंग्वेज मिली और एक डिवाइन फोर्स के साथ जुड़ गया। हमारे यहाँ मजहब में सूफीज़म जो है इसके अंदर रक्स बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सी दरगाहें हैं जहाँ रक्स होता है और लोग वजह भी जाकर रक्स करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रक्स के साथ हमारी ज़िंदगी का जो जुड़ाव है जो मेल जोल है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ दो एतबार से अब तो रक्स को या नाच को जबान भी मिल चुकी है और खुशी आज इस बात की हुई कि डोगरी हमारी जो बहुत ही मीठी जबान है उसके अंदर आज कथक की आई हुई है। ये बहुत अच्छा लगता है और ये वही चीज़ें हैं कि जो हमारे फनकार जो हैं हमारी जबानों को हमारी सिविलाइजेशन को ऊपर लेकर जाने वाले लोग होते हैं, ऊंचाई देने वाले वो यही लोग होते हैं। एक राशि हुई और आज की इस महफिल में जो हमारे मेजबान और आप लोग ज़रूर हमारे महफिल में शरीक हुआ करें। मेरे पास के साथ हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्त हैं उनको इस रौनक को इस महफिल को रौनक दी। आज का जो हमने ये प्रोग्राम रखा है ये कथक डांस पे ही है और इसमें हमारे आर्टिस्ट जो हैं कुछ जम्मू के हैं कुछ दिल्ली से आए हैं। तो कोशिश हमारी ये थी कि हम बहुत से डिफरेंट कल्चर प्रोग्राम करते हैं तो कथक को भी मतलब एक अपॉर्चुनिटी ये जो इसके आर्टिस्ट हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश है और उसमें आज हमें ये हमारी डेट फिक्स हो गई और आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जितनी भी हमारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं कल्चर की ये हमारे बुज़ुर्गों की देन है, हमारे हेरिटेज है। तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें और आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और जो हमारे पब्लिक है उसको ये चीज़ें देखने का मौका मिले, यूथ को इसके साथ जुड़ने का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, उसी की कोशिश है। थैंक यू। मेरा नाम मंजू वजीर है। मैं एक कथक डांसर हूँ और जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव भद्रवाह से बिलोंग करती हूँ। मेरी बहुत खुश नसीबी है कि आज एकेडमी ने मुझे मेरे बच्चों के साथ यहाँ आमंत्रित किया है। हम एक अपना कथक की प्रस्तुति करेंगे और एक डोगरी फ्यूजन भी करेंगे। तो मैं एकेडमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी भरत जी का, सेक्रेटरी जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ आने का और हमें आमंत्रित करने का। आगे भी आशा करती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स मैं अपने बच्चों के साथ देती रहूँ और यहाँ आती रहूँ और एकेडमी में जितना भी मेरा योगदान है इस कथक में मैं यहाँ के लोगों में बांटना चाहूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनंता दत्त है। मैं 13 साल की हूँ और नृत्यांजलि की ओर से आज हमने प्रस्तुत किया था एक कथक सबसोनिक डांस जो बहुत एनर्जेटिक और बहुत जोश के साथ था। सारे नृत्यांजलि के स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 22 स्टूडेंट्स थे, सब ने परफॉर्म किया, स्टेज भरी हुई थी एंड बहुत अच्छा रहा।